प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रोमियो अध्याय 5 का 1-11 वचन लेकर आई हूँ, परमेश्वर से मेल। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि संत पौलुस रोमी की कलीसिया को परमेश्वर से सच्चे मेल के विशेष शिक्षा दे रहे थे कि किस प्रकार एक विश्वासी को परमेश्वर से मेल रखना चाहिए। यहाँ वह कहते हैं कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेरे प्रियो, यहाँ वह समझाते हैं कि हम सब विश्वास से जो हमने अपने प्रभु पर किया है, हम सब उसी के कारण धर्मी ठहरे हैं। प्रभु यीशु पर हमने विश्वास किया कि केवल वही एक प्रभु है, उसी ने हमारे पापों का दंड भुगता। यही है विश्वास के कारण हमारी धार्मिकता, और इसी धार्मिकता के कारण हमें परमेश्वर से मेल रखना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। और वह कहते हैं कि केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि जब मसीह के कारण या किसी अन्य कारण हम पर कोई मुसीबत या सताव आता है तो हमें धीरज रखना चाहिए, और उन्हीं सभी संकटों के कारण आए कलेशों और परीक्षाओं में हमें धीरज रखना चाहिए। हमें अपना धीरज कभी खोना नहीं चाहिए। ये परिस्थितियां ही हमें खरे सोने की तरह फिर निखारने में मदद करती हैं, और यही धीरज की व सच्ची खराई की राहें हम में परमेश्वर के मेल को, उसकी आशा को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि यदि मनुष्य धीरज धरता हुआ कलेशों को पार करता जाता है तो यह स्वाभाविक है कि उसमें परमेश्वर का स्वभाव फिर बढ़ता जाता है, और यही स्वभाव हमें फिर परमेश्वर के मेल के करीब लाता है। और वह परमेश्वर से हमारे मेल के विषय और आगे बताते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उससे हम परमेश्वर से मेल रख पाते हैं। जैसे वह समझाते हैं कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जी हाँ भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के साथ मेल कराने में हमारी मदद करती है। यदि पवित्र आत्मा हम में स्थिर नहीं रहता तो हम परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम में वह आत्मा नहीं है कि हम परमेश्वर के पवित्र ज्ञान को समझ पाए। वह केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें पिता की ओर से दिया जाता है, और उसी के कारण हम परमेश्वर के पवित्र ज्ञान को समझ पाते हैं और परमेश्वर से मेल की आत्मा को प्राप्त करते जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सभी निर्मल थे, जैसा वह आगे समझाते भी हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सबके सब निर्मल तथा भक्तिहीन थे। हम कोई धर्मी नहीं थे, क्योंकि जब तक हम प्रभु पर विश्वास नहीं लाते हम धर्मी नहीं ठहरते, और प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों तथा पापों के लिए ठीक समय पर अपने प्राण दिए। तो हमने जब प्रभु पर विश्वास किया तो हमारा मेल उस विश्वास के कारण अपने पिता परमेश्वर से हुआ। यही ही एक महत्वपूर्ण मार्ग है हमारा परमेश्वर से मेल का, क्योंकि सभी मनुष्यों का पाप के कारण अपने पिता परमेश्वर से संबंध टूट गया था। परंतु जब प्रभु यीशु हम निर्बलों के लिए क्रूसीफाई हुए तो फिर से हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया, उस पर विश्वास के कारण। क्या ही महान है हमारा प्रभु जो हम सब पापियों, हम सब भक्तिहीनों के लिए मरा, जिससे हमारा मेल परमेश्वर पिता से हो पाए। मेरे प्रियो, लिखा है यहाँ कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो हो सकता है, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस कर भी सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसने अपने प्राण हम पापियों के लिए दिए, जिससे हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो पाए। इसीलिए उसने यहाँ कहा भी कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः अब यह स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि हम सब अब उसके लहू के कारण अर्थात प्रभु यीशु के कारण धर्मी ठहरे हैं। तो अब हम
उसी के कारण परमेश्वर से मेल मिलाप भी कर पाए तथा अब हम उसी के कारण परमेश्वर के उस भयंकर क्रोध से भी बच पाएंगे। यही है परमेश्वर से मेल का सच्चा मार्ग, प्रभु यीशु का बलिदान। पौलुस यहाँ कहते हैं कि क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जी हाँ भाइयों बहनों, हम बैरी ही थे परमेश्वर के। पाप जो हम में था उसके कारण हम सब परमेश्वर से दूर थे, परंतु प्रभु यीशु के बलिदान के कारण हमारा मेल परमेश्वर से फिर से हो गया। और जब हमारा मेल पिता परमेश्वर से हो गया है तो फिर हमारा उद्धार भी निश्चित है। कई बार हम मनुष्य सोचते रहते हैं कि हम अपने सृष्टि कर्ता से किस प्रकार मेल कर पाएंगे, तो यहाँ इस अध्याय में वो सच्चा व सरल मार्ग पौलुस ने स्पष्ट किया है कि जब पाप के कारण मनुष्य की संगति पिता परमेश्वर से टूट गई थी तो फिर उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया हम पापियों के लिए, जिससे हम उसके पुत्र पर विश्वास कर धर्मी ठहर सकें तथा धार्मिकता ही फिर हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है और हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है। और यही नहीं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से हुआ, हम परमेश्वर में आनंदित और आशीषित भी बने रहते हैं। हालेलुया। यह अध्याय हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से मेल करना चाहिए। आप भी इस अध्याय के अनुसार खुद को प्रभु यीशु की धार्मिकता में बढ़ाएं, उस पर अपने विश्वास को अटूट करें, पवित्र आत्मा की सहभागिता में स्थिर बने रहें जो हमें परमेश्वर पर विश्वास के कारण मिली है, तथा निश्चिंत रहे कि जब विश्वास के कारण आपका मेल परमेश्वर से हुआ है तो आपका उद्धार भी फिर निश्चित ही होगा। बस आपको अपने सभी पापों से, सभी गुनाहों से मन फिराकर उस एक सच्चे व बलिदानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जिसने पूरे जगत के पाप के लिए अपना बलिदान दिया, जिससे हर वो मनुष्य जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था वह प्रभु पर विश्वास कर उसके साथ फिर से मेल मिलाप कर ले। और ध्यान दे यहाँ कि किसी भी सताव या संकट में हारे नहीं, किसी भी कलेश में गिरे नहीं, वरन धीरज के साथ उसका सामना करें, क्योंकि वही धीरज का फल आपको परमेश्वर के करीब जाने में आपकी सहायता करेगा। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि धीरज से हम खरे निकलते हैं, जैसे हमारा प्रभु यीशु भी पृथ्वी पर आकर सभी कलेशों में धीरज रखता गया और फिर बलिदान को सहकर अपने पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। ऐसा ही धीरज हमें इस समय में रखना है कि हम भी धीरज के द्वारा खरे निकल पाएं और अपना मेल परमेश्वर में स्थिर रख पाएं और परमेश्वर के उद्धार में प्रवेश कर पाएं, क्योंकि परमेश्वर से मेल ही हमारा उद्धार करवाता है मेरे प्रियो। विश्वास ही हमें धर्मी ठहराता है और धीरज ही हमें खरा बनाता है, तथा पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करती है परमेश्वर से मेल करवाने में। मेरे प्रियो, आज हमें खोजने या भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने सृष्टिकर्ता से कैसे मिल पाएंगे। उसका उत्तम व सरल मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बलिदान पर विश्वास कर हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। बस हमें केवल अपने विश्वास में दृढ़ रहकर, घमंड को पीछे करके, कलेशों में स्थिर रहकर अपने सच्चे व जीवित प्रभु की सच्ची धार्मिकता को पहनना है, जिसके कारण हम पाप की गुलामी से छूटकर परमेश्वर से मेल मिलाप में आ सकते हैं। आज बहुत से मनुष्य पाप की गुलामी में पड़े हैं और वे जानते भी नहीं कि किस प्रकार वह अपने पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। आज यह वचन हमें सिखाता है व उन्हें भी सिखाता है कि हम कितने धन्य हैं जो प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और नाम लेकर हमें पुकारा, और अब उस पर विश्वास कर हम धर्मी भी ठहरे, तथा उसी के कारण हमारा अपने पिता परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। तो यही है हमारा मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर से मेल का एकमात्र सच्चा व सरल रास्ता। तो आप भी सदा प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलते रहें, उसकी धार्मिकता की झिलम पहने रहें, प्रार्थना में जागते रहें और दूसरों को भी परमेश्वर से मेल का यह सच्चा रास्ता बताएं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है हमारा परमेश्वर से मेल का। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सच्चाई की झिलम पहनकर, उसके उद्धार का टोप पहनकर और सत्य से अपनी कमर को कसकर प्रभु यीशु के बताए हुए सच्चे व सरल मार्ग पर आप निरंतर चलते रहें। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आपका मेल अपने पिता परमेश्वर से कैसे होगा।
प्रभु यीशु मसीह ही एक जरिया है आपका परमेश्वर से मेल मिलाप का, क्योंकि उसने ही आपके सभी पापों के दंड को क्रूस पर भुगत लिया है। उसने ही अपना पवित्र लहू आपके और हमारे लिए बहा दिया। जिस पाप के कारण हमारा संबंध और मेल परमेश्वर से टूट गया था, उसी संबंध को वापस प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर फिर से जोड़ दिया। अब हमें केवल उसके बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उसी के कारण फिर से हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।